झारखंड में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कुछ सवाल उठाए हैं, बात की हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार ने कांग्रेस के झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह से। झारखंड में चुनावी बिगुल बज गया है, 5 चरणों में वोटिंग होगी। बात करने के लिए कांग्रेस के झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह इस वक्त हमारे साथ। आरपीएन सिंह साहब, 5 चरणों में चुनाव का बिगुल बजा है, क्या असर देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं कि झारखंड में चुनाव की घोषणा हो गई है। साफ तौर से हमने इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट किया था कि एक फेज में चुनाव होना चाहिए, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में 288 सीटों पे चुनाव हुआ था एक ही फेज में, हरियाणा में 90 पे। झारखंड क्योंकि अकेला प्रांत है जिसमें 81 सीट्स हैं, जो अकेले देश में चुनाव में जा रहा है, तो सेंट्रल या पैरामिलिट्री फोर्सेस की कोई कमी नहीं होती। पर अब इलेक्शन कमीशन ने 5 फेज का रखा है, क्योंकि रघुवर दास जी तो साफ तौर से 5 साल में बताए, उनके कार्यकाल में उन्होंने नक्सलवाद को समाप्त कर दिया है। पर अगर इलेक्शन कमीशन का बयान देखें तो जब से रघुवर दास जी आए तो नक्सलवाद की ज़्यादा समस्या बढ़ी है। आप बड़ा सवाल उठा रहे हैं, एक तरफ नक्सल स्टेट है अगर, तो 5 चरणों में चुनाव हो रहा है, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आपकी मांग थी 1 चरण में कराने की, क्या इसका असर पड़ेगा पॉलिटिकली अगर नफे नुकसान की बात करें? देखिए, नफे नुकसान की बात होती है एक फेज में होता है तो बेटर होता है, नहीं तो जो सरकार ऑफ द डे होती है वो उस पर थोड़ा और कंट्रोल करने का, मैनेज करने का उसके पास मौका होता है, और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और इस चुनावी मुकाबले में देखें तो कांग्रेस के गठजोड़ पर निगाहें लगी हैं, जेवीएम के साथ हो, जेजेएम के साथ हो, क्या आप बना रहे हैं वहाँ गठजोड़ की रूपरेखा, और क्या ये जल्द से जल्द ऐलान हो पाएगा? जब समय हमें अनुकूल, जब हमें लगेगा हमारे स्ट्रेटजी के तहत हमें जब इसका खुलासा करना है, हम अवश्य करेंगे, आपको और आपके दर्शकों को अवश्य बताएंगे। लेकिन दूसरी तरफ 65+ मिशन का नारा दिया है झारखंड में बीजेपी सरकार ने, और उनके नेता जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं एक बार फिर सत्ता में आएंगे, और पीएम मोदी तो प्रचार प्रसार करते देखे ही जाएंगे वहाँ पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का घमंड जो होता है, आपके हरियाणा में उन्होंने 75 पार कहा, महाराष्ट्र में 220 पार कहा, मैं साफ तौर से झारखंड की जनता पर हमें पूरा भरोसा है, उनका आशीर्वाद प्राप्त है, भारतीय जनता पार्टी झारखंड में 25 पार नहीं करेगी। आप कितनी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव? जब समय आएगा तो बताएंगे सर। गठजोड़ का इंतजार करें? बिल्कुल करिए, मैंने तो बता ही दिया आपको सर। धन्यवाद बात करने के लिए। और आरपीएन सिंह जो कि झारखंड के कांग्रेस प्रभारी हैं, चुनावी बिगुल बजने के बाद चुनावी रणनीति पर बात कर रहे थे। कैमरामैन शुरबीर के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।